हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और मैं हूं आपका दोस्त पंकज हिमाचली, एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक ठाक हो ना? एकदम बढ़िया, अपा भी बढ़िया। ते दोस्तों, वैलेंटाइन कैसे मनाए पहले तो बताओ, कमेंट करके बताओ सब कि वैलेंटाइन कैसे रहा, किसकी गर्लफ्रेंड है और किसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कमेंट करके बताना और मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो कमेंट पढ़ते पढ़ते ना, मैंने दो दिन कमेंट पढ़े कि भाई दुबई की लाइफ के बारे में बताओ और दुबई के एक्सपेंस के बारे में बताओ, जो कि हमारी यूट्यूब फैमिली में से एक दो बंदों ने कमेंट करे हुए थे। तो मैं सोच रहा था कि चलो इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं आज। तो दोस्तों, यहाँ की लाइफ बहुत बढ़िया है, आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो अभी तक दबा दें उसको, टन टन कर दें उसको, और लाइक जरूर करना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं दुबई की लाइफ के बारे में। और दूसरी बात करेंगे हम कि यहाँ पे एक्सपेंस कितने होते हैं। एक्सपेंस मींस नॉर्मली मैक्सिमम बंदों का कितना खर्चा है, इंडियन पाकिस्तानी बंदे हैं, बाकी तो अदर कंट्रीज़ के तो मज़े लेते हैं बंदे, बाहरों में घूमते को क्या करते हैं, बट हमारे नॉर्मल बंदों का कितना खर्चा है यहाँ पे। तो पहले तो आ गया कि यहाँ पे लाइफ कैसी है। तो जैसे कि मैं भी पहले इंडिया से यहाँ आया था, तो मेरे को भी यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मेरे घर वालों ने ना मेरे को भेजने से पहले मना कर रहे थे कि नहीं जाना इधर, तो नहीं जाना, तो नहीं जाना। तो मैं ना मनू के मैं इधर पहुँचा दुबई में। तो आने से पहले ही मैंने दिल्ली में सिम ले ली थी कि पता नहीं वहाँ पे क्या हिसाब किताब होगा, तो पहले से सिम ले लेते हैं, घर वालों को कम से कम फ़ोन तो कर लेंगे। तो मैं इधर आया, इधर आने के बाद यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, फुल सिक्योरिटी है, आपको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। रात को 1 बजे बाहर घूमो, 2 बजे बाहर घूमो, 4 बजे बाहर घूमो, मतलब सिक्योर, आप किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। इवन लड़कियाँ रात को सुबह 4 बजे तक लड़कियाँ बाहर घूमती रहती हैं, कोई किधर से आ रहे हैं, किधर से आ रहे, कोई ट्रैवल करके आ रहे हैं, कोई अकेले आ रही हैं, तो किसी को कोई डर नहीं है इधर भाई। आप कहीं भी अकेले घूम सकते हो, सिक्योरिटी के मामले में एकदम नंबर वन। तो दुबई में आपने देखा भी होगा कि क्राइम 0% शो होता है यहाँ पे। तो ये था यहाँ के मतलब सिक्योरिटी के बारे में। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे अभी जॉब की लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ कि जॉब यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी में मैक्सिमम बंदे जो हैं 12 आवर्स ड्यूटी करते हैं, जो कि मतलब ग्रेड बी और ग्रेड सी डी जो भी आते हैं लेबर तक बंदे हैं। ग्रेड ए में बड़े बड़े मैनेजर और ये वो तो चलो अपना ड्यूटी टाइम पूरा करके निकल जाते हैं, बट हम जैसे लोग हैं जो कि जैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्शन या कहीं काम करते हैं, तो उनको 12 आवर्स ड्यूटी मैक्सिमम कंपनीज़ में इधर है। तो मैक्सिमम बंदे जो है 12 आवर्स ड्यूटी करते हैं, जो कि किसी कंपनी में 5 डे वीक है तो किसी कंपनी में 6 डे वीक है। तो लोग साथ में ओवर टाइम करते हैं, और मैक्सिमम वीकेंड में भी लोग ओवर टाइम करते हैं यहाँ पे। तो ऐसा है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में नहीं ओवर टाइम करेंगे, ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। अगर आपको कंपनी जैसे आप बोलेंगे कि ये काम है तो आपको रुकना पड़ेगा, और मैक्सिमम कंपनी में लोग रुकते भी हैं, और जो नहीं रुकता है तो उसके लिए मतलब इमेज भी उसकी ऐसा नहीं है कि बहुत से मैक्सिमम लोग रुकते हैं, फिर एक दो नहीं रुकेगा तो बंदे की थोड़ी इमेज पर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये है उनका ड्यूटी आवर्स टाइम। और कंपनी मतलब हर जैसे इंडिया में हिसाब है ना, वैसा ही हिसाब है यहाँ पे। काम के लिए क्या है कि आप काम करने के लिए जाते हो कंपनी में, तो यहाँ पे थोड़ा सैलरी ज़्यादा है तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इंडिया में क्या रहता है, जैसे टेम्परेरी लोग रहते हैं, जैसे कैजुअल बुलाते हैं ना, बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए जो कि डेली बेस पे रहते हैं, तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं इंडिया में। तो आप क्या करते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ी कम हो जाती है, आप काम बांट देते हो 4 बंदों के बीच में। इधर क्या है कि आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो बंदे बहुत कम रहते हैं यहाँ पे, स्टाफ कम रखते हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है बंदों की, मतलब सैलरी ज़्यादा है, थोड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बाकी सब बढ़िया है, जैसा इंडिया में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, वैसा ही यहाँ पे है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और रही लैंग्वेज की बात कि यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तो भाई यहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग जो हैं, आप कहीं भी चले जाओ हिंदी में बात करो सब समझते हैं। इवन यहाँ के पुलिस वाले, यहाँ के हॉस्पिटल में कहीं भी आप जाओगे हिंदी में बात करो सब समझते हैं, कोई इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई अरबी बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हिंदी में बात करेंगे तो सब समझते हैं, हिंदी उर्दू जो भी आप बात करते हो नॉर्मली तो सब समझते हैं यहाँ पे।
ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इधर अरबी बोलनी पड़ेगी, सऊदी की तरह यहाँ पे नहीं है। सऊदी में जो भी लोग सऊदी में जा के आते हैं उनको अरबिक आती है, और जो यूएई में काम करते हैं, इवन मैं, मेरे को अरबी कुछ भी नहीं आती, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती बोलने की। या आपके साथ जैसे फिलीपीन के लोग काम करते हैं, जैसे इंडिया के यहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं, वैसे ही फिलीपीन कंट्री है, वहाँ के लोग भी यहाँ पे बहुत काम करते हैं। मैक्सिमम इंडियन ही यहाँ पे हैं, और दूसरे नंबर पे आई थिंक फिलीपीन बंदे हैं, और इंडिया के केरला के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो मलयालम भी यहाँ पे बहुत बोली जाती है, कि जो कि केरला की लैंग्वेज है। बाकी आप हिंदी हिंदी बोलो मुश्किल नहीं है यहाँ पे, कोई भी बड़ा अंग्रेज नहीं है कि हाँ यार इंग्लिश बोलनी पड़ती है, बोलने पड़ता है। इवन यहाँ पे इंटरव्यू हिंदी में लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट मैक्सिमम कंपनी में इंडिया या पाकिस्तान की मैनेजमेंट है। तो ये हो गया यहाँ की लैंग्वेज के बारे में भी। और क्या बात करेंगे हम, और जैसे एक्सपेंस मैं ट्रैवलिंग का यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है लाइसेंस जो है महंगा है, गाड़ियाँ सस्ती हैं। और अगर पता है आपका लाइसेंस की कॉस्ट जो है, मैं इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी हम एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो लंबा चला जाएगा। जो लाइसेंस है कार के लाइसेंस का जो है, आपका इंडिया का लाइसेंस रहता है तो आपको 20 क्लासेस कम पड़ती है। तो मतलब अगर आप फर्स्ट ट्रायल में लाइसेंस निकाल लेते हो तो 1 लाख तक पड़ता है। नहीं तो पैकेज भी रहते हैं कि आप 3 बार फेल हो जाते हो, अलग अलग ट्रायल रहते हैं, तो आपको मतलब 2 लाख तक पैकेज रहता है। 2 लाख के बीच में आपको लाइसेंस मिल जाता है, गाड़ी छोटी मैनुअल गाड़ी का या ऑटो गाड़ी का लाइसेंस, मतलब ऑटो गियर रहते हैं ना जिनमें। और बाइक का लाइसेंस भी अप्रॉक्सीमेट इसी रेंज में पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं है गाड़ी और बाइक के लाइसेंस का, अप्रॉक्सीमेट सेम सेम ही रहता है। तो ये है। और यहाँ पे जो हम जैसे ट्रैवल करते हैं ना, हम इंडिया में हम कहीं जाते हैं तो सोशल सर्विस से जाएंगे ना, या तो बंदा किसी की गाड़ी में जाएंगे। इधर क्या है, इधर थोड़ा टैक्सी का, सॉरी फ़ोन आ रहा है, तो इधर क्या है थोड़ा महंगा है, टैक्सी का थोड़ा खर्चा महंगा पड़ जाता है यहाँ पे। तो बंदे क्या है, यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं दुबई के बीच में, और आप अगर इंडिया से पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ आना चाहते हैं, आपका कोई दोस्त यहाँ पे आना है कि आना चाहता है, तो उसको सुजेशन करो कि जहाँ पे मेट्रो लाइन है, मेट्रो लाइन के साथ में रूम ले। होटल जो भी आप ढूंढ रहे हो मेट्रो लाइन के साथ में मिलेगा तो सस्ता पड़ता है, क्योंकि मेट्रो से आप 7.5 दिरहम बोलेंगे तो 150 दिरहम, 150 रुपये, इंडिया के 150 रुपये में ना आप फुल दुबई का चक्कर मार सकते हो। अगर आप एक साइड से जा रहे हो, एक बस ले रहे हो, बस के बाद मेट्रो ले रहे हो, मेट्रो के बाद दोबारा बस ले रहे हो आरटीए की, ये पूरा जो है, जो यहाँ की आरटीए की बसेस चलती हैं, उनकी बसेस, बस और मेट्रो दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। आप पंच करते हो, आरटीए का कार्ड रहता है, तो मैं आपको कार्ड भी बताता हूँ, एक वैसे कार्ड रहता है, तो कार्ड बताता हूँ मैं आपको। ये आरटीए का कार्ड है, ऐसा कार्ड रहता है, ऐसा कार्ड आप पंच करते हैं, ये इस कार्ड में बैलेंस डाल के रखते हैं, तो ये कार में, इसमें भी मेट्रो में भी चलता है और बस में भी चलता है। तो ये 7.5 दिरहम, इसमें अलग अलग कार्ड्स भी मिलते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हो तो अच्छा है कि आप मेट्रो से करो या बस से करो, मतलब आरटीए की सर्विस यूज़ करो, अगर आप अकेले यहाँ पे सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो। तो ये है ट्रैवलिंग का। और टैक्सी का क्या रहता है, टैक्सी का मिनिमम 5 दिरहम है, जो कि नॉर्मल आवर्स हैं, और जो कि पीक लोड पे 8 दिरहम से स्टार्ट होता है, 8 और 12 दिरहम से स्टार्टिंग से टैक्सी स्टार्ट होती है। मतलब मिनिमम 100 रुपया तो आपको देना पड़ेगा, और 200 रुपये तक, 200-240 रुपये से खाली स्टार्ट होगा मीटर, बाकी वो जितना जाएगा आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये था यहाँ पे ट्रैवलिंग का। और मोबाइल का क्या सीन है यहाँ पे, कि मोबाइल यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपनियाँ हैं, एक डू और एक एतिसलात है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप कॉल करना चाहते हो तो कॉल करने के लिए यहाँ पे जो जैसे व्हाट्सएप और जो भी सोशल नेटवर्क है, आप उससे कॉल नहीं कर सकते हो लीगली। तो वहाँ से उसको आप, अगर ऐसा आपने कॉल करनी तो उसके लिए अलग अलग टाइप के रिचार्ज हैं वो करो, तो सब्सक्राइब करने के बाद, रिचार्ज करने के बाद आप कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब मेरा खर्चा है 100 दिरहम, फ़ोन का खर्चा आ जाता है, मतलब 1000 से 2000 के बीच में मोबाइल का खर्चा आ जाता है। साथ में रूम में नेट के लिए हमने रूम में वाईफाई लगवा के रखा होता है, जो कि एक या दो या तीन चार पांच बंदे जितने भी रूम में रहते हैं वो शेयरिंग करते हैं, हम 3 बंदे रूम में शेयरिंग करते हैं नेट, तो नेट के 200 दिरहम का खर्चा है नेट का, तो 3 बंदे शेयरिंग करते हैं हम, तो 100-100 दिरहम नेट का आ जाता है, जो कि अनलिमिटेड है। तो ये था। और बाकी मतलब फुल मैं बताऊं कि
हमारा मिनिमम 500 रुपीस जो है यहाँ पे खर्चा हो जाता है, जिसमें कि रूम कंपनी का है, ट्रैवलिंग कंपनी की है, बाकी जो हम घूमने के लिए जाते हैं और थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं, कुछ कभी टी शर्ट ले ली, कभी पैंट ले लिया, कभी शूज़ ले लिए, तो ऐसे ऐसे करके मिनिमम 500 रुपीज़, मतलब 10,000 रुपया आपका खर्चा है ही है। और मैक्सिमम तो भाई आपके ऊपर डिपेंड है, आप ज़्यादा आउटिंग पे जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, टैक्सी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम 500 दिरहम यहाँ का खर्चा है, जो कि इंडिया का 10,000 हो गया और पाकिस्तान का 21,000 के अराउंड फिगर हो गया। तो वो यहाँ का खर्चा है। तो ये यहाँ की लाइफ है। मिनिमम एक्सपेंस आपको 500 तक पड़ेंगे और मैक्सिमम तो आपको किधर भी जाओ वो बढ़ते ही जाएंगे जितने आपके उसी हिसाब से डिपेंड करता है। और लेबर वाले बंदे हैं जो कि लोग कम बाहर जाते हैं, वो 300 में भी सर्वाइव करते हैं। मिनिमम जो लेबर वाले लोग हैं कम से कम 300 है, 300 से कम बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि खाना पीना आपको बनाना पड़ता है, खाने का खर्चा आता है, फिर और बहुत छोटे छोटे चीज़ें आपको पता ही है जिनका पता नहीं लगता। तो मिनिमम 500 तो जाता ही है, मैक्सिमम लोगों का 400 मैक्सिम, और 300 तो उनका है कि जो लेबर में यूज़ करते हैं बंदे की, बाहर कम जाते हैं लोग, ड्यूटी करते हैं प्रॉपर, खुद खाना बनाते हैं, बाहर बिल्कुल कम खाते हैं, उन लोगों का 300 दिरहम खर्चा आता है महीने का। अदरवाइज़ मिनिमम 500 दिरहम खर्चा है, और बाकी आपके शॉपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और आने जाने के लिए अगर आप आरटीए की सर्विस यूज़ कर रहे हो। बाकी यहाँ पे बढ़िया है, अगर आपको नौकरी मिलती है तो मिनिमम यूएई के बीच में, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो मिनिमम, अगर आप फ्रेशर यहाँ पे आ रहे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो 1500 से कम नीचे मत आओ, 1500 मिनिमम है, ताकि आपका 1000 दिरहम यहाँ पे बच जाए। और अगर आप फ्रेशर हो और आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भाई 2000-2500 से नीचे यहाँ पे आके कोई फ़ायदा नहीं है, अब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बाकी तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इंडिया में 50,000 रुपया ले रहे हैं, या पाकिस्तान में ही 80,000 या 1,00,000 रुपया ले रहे हैं, तो उनके लिए तो मिनिमम ऐसा है कि 5,000 या 4,000 से कम यहाँ पे जॉब करने के लिए आके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था दोस्तों ये आज का वीडियो, बाकी तो आपको जॉब ट्राई करो, जॉब यहाँ पे मिलती है, बाकी आपके ट्राई करने पे डिपेंड है आप कैसे जॉब के लिए कहाँ ट्राई कर रहे हो। और अगर आप जॉब ट्राई कर रहे हो तो मेरा वीडियो भी है, तो वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल पे जाके मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।